छिंदवाड़ा जिले के चोरी तहसील के अंतर्गत जमुनिया माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से किसानों को पानी नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण किसानों की फसलें सूख रही हैं, जिसके चलते 17 जनवरी 2023 दिन मंगलवार को ग्राम बीजावाड़ा और हरन भट्टा के किसानों द्वारा तहसील कार्यालय चोरई पहुंचकर अनुविभागीय अधिकारी महोदय के नाम से नायब तहसीलदार मिश्राम को ज्ञापन सौंपा गया। उनकी मांग थी कि जमुनिया केनाल के 5 एवं 6 शाखा में विगत 10-12 दिनों से पानी नहीं छोड़ा जा रहा, जिसके कारण फसलें सूख रही हैं, जिससे किसान हो रहे हैं परेशान। जबकि अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा यह आश्वासन भी दिया गया कि आपको पर्याप्त पानी मिलेगा, लेकिन जमीनी स्तर पर किसानों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। किसानों ने केनाल विभाग को पर्याप्त सहयोग किया, अपनी खड़ी फसल पर जेसीबी से कार्य करने दिया, इसके बावजूद भी किसानों को पानी नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते किसानों ने जमुनिया केनाल के 5 एवं 6 शाखा में पर्याप्त पानी पहुंचाने की मांग की है। किसानों ने उच्च अधिकारियों से ज्ञापन के माध्यम से तत्काल कार्रवाई की बात रखी है। यदि किसानों की पानी की समस्या का निराकरण शीघ्र नहीं किया गया तो किसानों द्वारा आगामी समय में उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। नायब तहसीलदार महोदय द्वारा किसानों की समस्याओं को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर जल्द ही समस्या का निराकरण करने की बात कही गई है। अब देखना यह होगा कि किसानों को कब तक पानी मिलेगा। यदि समय सीमा में नहरों में पानी नहीं छोड़ा गया तो किसानों द्वारा उग्र आंदोलन किया जा सकता है। भैया, हमारे ग्राम बीजावाड़ा की 5 नंबर और 6 नंबर जो कैनाल है, उसमें विगत 15 दिनों से पानी दिया ही नहीं गया है, और जब दिए भी है तब 10 से 15 मिनट पानी दिए और बंद कर दिए। किसान की ये स्थिति है कि वो रात रात भर नलकों के सामने खड़े रह के और इंतजार करता है, पानी आएगा और पानी नहीं मिल पा रहा है। इस कारण पूरा किसान बीजावाड़ा का परेशान है। तो हम आवेदन और निवेदन करने आए थे कि आप लोग इसका जल्दी से जल्दी निराकरण करें, अन्यथा हम पूरा कृषक बीजावाड़ा के और क्षेत्र के, जिसमें हरन भट्टा है, पिपरिया है और गोपालपुर है, जमुनिया है, हम सब मिलकर एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे, और चाहे जान चले जाए लेकिन हम लोग इसमें आगे बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। अधिकारियों ने दिए कि आज से चालू करवाएंगे, अब देखिए कितने दिन में। यह आश्वासन पिछले 15 दिनों से दिया जा रहा है, लेकिन उस पर अभी तक के तो कोई काम हुआ नहीं। हम लोग आगे 15 दिन का समय दिए, अगर पानी नहीं मिला तो हम 15 दिन बाद बृहद आंदोलन उग्र आंदोलन करेंगे, चक्का जाम की स्थिति बनी तो वो भी करेंगे। आज दिनांक तो ग्राम बीजावाड़ा के कुछ किसानों ने यहाँ के जमुनिया माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से पानी नहीं मिलने की शिकायत को दी है। इस संबंध में हम जांच करवा के अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इससे अवगत करवाएंगे आज, और उसके बाद जो भी हम समाधान निकले, किसानों से वार्तालाप करके और संबंधित विभाग से बातचीत करके इसको सुलझाने का प्रयास करें। ये समस्या आज ही हमारे समक्ष आई है, तो इसको जैसा भी हम लोग में वरिष्ठ अधिकारियों से बात करके, तत्काल आज ही बात करके उसको सुलझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मेरे समक्ष में आज ही आई है, तो मैं इससे आज ही बात करके वरिष्ठ अधिकारियों को। चोरई से BCN न्यूज के लिए संवाददाता राजेश उइके की रिपोर्ट।